वीकेंड का वार ना बहुत ही अच्छा था। मतलब सबको सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से सलमान सर ने बता दी, जिनकी गलती थी उनको बहुत अच्छे से और उनका गेम सुधारने के लिए बहुत अच्छी कोशिश उन्होंने की थी। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा आज का वीकेंड का वार। बहुत मतलब अभी कंटेस्टेंट बहुत अच्छे से निखर के आ सकते हैं। और स्पेशली घर में दो लोगों की माँ आई थी। अभी किसकी माँ सही किसकी माँ गलत ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली है तो हम स्टार्टिंग से देख ही लेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि चाहत और अविनाश की मॉम आई थी, और दोनों की मॉम बहुत अच्छी थी अपने। और कोई भी पेरेंट्स आए तो वो अपने बच्चों का ही साथ देते हैं, चाहे वो गलत करे सही करे। हर पेरेंट्स के लिए अपने बच्चे बहुत ही सच्चे होते हैं। तो लेकिन यहाँ पर ना जिस वे में अविनाश की मॉम ना मतलब जब चाहत की मॉम बात कर रही थी ना, तब वो अच्छे से सुन रही थी उनकी बात, बिल्कुल भी बीच में बोल नहीं रही थी। लेकिन यहाँ पर भी चाहत की मॉम उनको बोलने नहीं दे रही थी। जब वो बोल रही थी ना, तब बीच में बार बार बोली जा रही थी। अविनाश भी बिल्कुल शांत बैठा था, कोई कुछ बोला नहीं, उनको बिल्कुल बोलने दिया बस सारी चीज़ें की। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं चाहत की मॉम उनको ओवर पावर करना चाह रही थी, लेकिन वो तो हुआ नहीं। उन्होंने बहुत ही अच्छे से अपने पॉइंट माना, और उन्होंने बहुत ही प्रैक्टिकली सारी चीज़ें बोली। उन्होंने जो बोली ना चीज़ें कि आप यहाँ पे खाना खाना मतलब हर वक्त खाना 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 खाने नहीं आए हो, ये बात चाहत की वजह मेकर्स को वो सुना रही थी। या मतलब मेकर्स को भी अभी बोलना चाहिए कि अरे खाना खाना बेसिक खाना ठीक है, लेकिन हर वक्त आप खाने की बातें करते रहते हो, वो मेकर्स के लिए अच्छी बात थी। तो अभी खाने के सिवा तो कोई बेसिक खाने के सिवा कोई जिंदा नहीं रह सकता, तो खाना तो इम्पोर्टेंट है। लेकिन खाने के ऊपर इतना झगड़ा करना, वो भी वो सेलिब्रिटी होकर, ये अच्छा नहीं लगता। तो ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद ना उन दोनों की मॉम ने ना पहले तो चाहत बिग बॉस ने चाहे अविनाश की मॉम को सब मुझे पूछा कि आप बोलो कि आपके मन में क्या है, या सारी चीज़ें उनको बोलने के लिए बोला। और वहाँ पे उन्होंने अपने बेटे की साइड बहुत अच्छे से ले ली। हालांकि वो गलत सही वो बात की बात है, लेकिन उन्होंने चाहत को बोला कि आप आधी रात को उठ के ठंडा पानी उसके मुंह पे डालते हो, जब हम गहरी नींद में होते उस वक्त आप पानी डालते हो, ये क्या सही है। मतलब ये सारी उनके कहना था कि वो सारी चीज़ें अपने फुटेज के लिए की, और कहीं ना कहीं ये सही भी है। और वहाँ पर ना हम नॉर्मल सो जाते हैं और हमारे ऊपर कोई पानी ऐसा ठंडा पानी डालेगा तो हमें भी वो अच्छा नहीं लगेगा। जिस तरह से उन्होंने ये सारी चीज़ें मांडी ना, बहुत अच्छे वे में मांडी और बहुत ही प्रैक्टिकली वे में मांडी। दूसरी तरफ चाहत की माँ ने भी बहुत अच्छे से अपने बेटी की साइड ली और जो सारी चीज़ें बोली। और कोई भी हो, अगर ऐसी अपने बेटी की जो अविनाश ने जो बातें बोली थी ना, उसने भले उसका इंटेंशन नहीं था ये सारी चीज़ें, लेकिन मजाक हो या मजाक से सीरियस सिचुएशन हो, कहीं कोई भी सिचुएशन हो, तो किसी भी लड़की के लिए या किसी भी लड़के के लिए दोनों के लिए ये सारी चीज़ें बोलनी नहीं चाहिए कि तुम्हें मेरी बॉडी देखनी है या देखनी कि लड़का हो लड़की हो दोनों की इज्जत सेम ही है। तो यहाँ पर अविनाश की मम्मी का पॉइंट बिल्कुल सही था कि अगर वो लड़का है इसलिए उसकी इज्जत नहीं, और वो लड़की है इसलिए उसकी इज्जत करनी चाहिए, तो ये तो गलत बात है ना। लड़का हो चाहे लड़की हो दोनों की इज्जत सेम ही है। तो उनका पॉइंट बिल्कुल सही था कि अगर अविनाश लड़का है इसीलिए वो आधी रात, अगर अविनाश ने सेम यही चीज़ किसी लड़की के साथ की होती तो आधी रात में वो उठ के उसके ऊपर पानी डाला होता तो वो कितनी बड़ी बात हो जाती, वो कितना बड़ा मुद्दा हो जाता। तो ये अननेसेसरी उसने जो फुटेज के लिए सारी चीज़ें की है ना, अविनाश के मम्मी ने जो उसको काउंटर किया ना कि मुझे एक बात बताओ, उस रात को तुमने खाना खाया था कि नहीं खाया था, वो एक्सप्लेन कर रही थी। लेकिन उनका पॉइंट एक ही था कि या खाया था क्या नहीं, बस मुझे हाँ और ना में जवाब दो। तो बहुत ही प्रैक्टिकली बातें कर रही थी। तो उन्होंने उसको मतलब ऐसे काउंटर किया वो सारी चीज़ें। तो अपने बेटे की साइड तो बहुत अच्छे से लिए उन्हें। और वहाँ पे वो बात कर रही थी, लेकिन उसके बीच में चाहत की मम्मी बोलती है, वो लोग के वो बोलते हैं कि मुझे बिग बॉस ने मौका दिया है, जब आपकी टर्न आएगी तो आप बात करें, अभी मेरी टर्न है तो मुझे बात करने दीजिए। लेकिन वो कंटिन्यू बोल ही रही थी, उनको बात करने का मौका ही नहीं दे रही थी। वहाँ पर अविनाश की मॉम बोलती है हमारा बिग बॉस नहीं चल रहा। बहुत हंसी आई वो, मतलब जिस वे में उन्होंने बोला कि हमारा बिग बॉस नहीं चल रहा, हमें आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, तो बहुत ही अच्छा था। उसके बाद
उसके बाद ना जो चाहत की मॉम ने भी जो पॉइंट बोले ना कि नेशनल टेलीविजन पे आप जो सारी चीजें करते हो ना वो क्या सही है, और यहाँ पे अविनाश ने बहुत ही अच्छे से उसकी उनकी बात सुनी, और बहुत ही अच्छे से जब उन्होंने बोला तभी रिप्लाई दिया, और उन्होंने बोला भी नहीं कि उन्होंने ऐसे वो ना ऐसे बोल रही थी, अपमान कर रही थी कि मुझे तुम्हारी सॉरी भी नहीं चाहिए, और मुझे तुमसे कोई आंसर भी नहीं चाहिए, और तुम्हारी गलती सॉरी के लायक भी नहीं है, ये नो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने भी बोली, लेकिन अविनाश ने कुछ बोला नहीं, बहुत ही अच्छे से सुन लिया। और सबके पेरेंट्स आप बोलोगे अभी अविनाश की उन्होंने उस गलती के लिए भी उन्होंने उसको बोला नहीं, कोई हमारे में से कोई किसी का भी पेरेंट्स उधर जाएगा ना तो अपने बच्चे की ही साइड लेगा, और मैं यही कह लूँ उसका इंटेंशन वो नहीं था कि चाहत को कैरेक्टर के ऊपर बोलना है, लेकिन चाहे मजाक हो चाहे सीरियस सिचुएशन हो कैरेक्टर के ऊपर बोलना ही नहीं चाहिए था, तो अभी क्या ही बोल सकते। फिर उसके बाद ना यहाँ पर अविनाश की माँ उसको बोलती है, चाहत उनको क्वेश्चन करती है, जब वो उसने जो लड़की वाला बोला ना वो आपकी नज़रों में सही है या नहीं, मतलब वो काउंटर करना चाहती थी उनको, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर जो जवाब दिया ना कि ये सही है नहीं, पहले बोला वो सही है लेकिन इसका रीजन मैं देती हूँ, उसने जो किया वो इंटेंशनली नहीं किया था। और यहाँ पर मैंने भी एक मुद्दा किया था, जब वो सारी चीज़ें बोल रहा था ना आपके कैरेक्टर के ऊपर, जब आपको लग रहा था कि वो सारी वो मीन कर रहा था, आपको ऐसा लग रहा था, लेकिन उस वक्त क्यों आपको जो रिएक्शन वो क्यों नहीं आया, आप हंस रही थी जब वो ये सारी चीज़ें बोल रहा था, वो झगड़ा सॉर्ट आउट करना चाहता था, वो एक्स्ट्रा रिएक्शन नहीं देना चाहता था, लेकिन आप उसके ऊपर हंस रही थी जब वो सारी बातें बोल रहा था, पर उसके बाद बाहर जाके करण ने आपको भड़काया, फिर आप चार्ज होके अंदर आके उसको बोला कि तुम मेरे जूते के बराबर नहीं, मेरी जूती ऐसे उठा के उसको जूती के, मतलब ये सारी चीज़ें आपने जो की क्या वो भी सही थी क्या, जिस वे में आपने वो एक्शन किया उसी वे में उसके रिपरकशन आएंगे, जिस वे में अविनाश की मॉम ने ये सारी चीज़ें बता दी ना, क्योंकि हम जब चाहत ने जो किया हम उसको कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं, वो तो चाहत ने किसके लिए किया, गेम के लिए किया, अविनाश ने किसके लिए किया, उसका कैरेक्टर उछालने के लिए किया, ये हमने क्लियरली सोच ही लिया है, लेकिन उसने वो क्यों किया उसकी मॉम ने आके जो एक्सप्लेन किया है ना, और बहुत ही अच्छे से उन्होंने बोला, लेकिन वो बात बोलनी नहीं चाहिए, चाहे मजाक हो चाहे, और चाहत को भी वो चीज़ करनी नहीं चाहिए, अगर चाहत वो चीज़ करती ही नहीं तो ये पूरा बवाल होता ही नहीं, जिस वे में अविनाश की मॉम ने बोला कि ये गेम खत्म हुआ था उस दिन, आपने पूरा खाना खा लिया था फिर भी आपने सुबह उठ के इंटेंशनली सारी चीज़ें की, उसके ऊपर चाहत के मॉम बोल रही थी तुमने उसको 4 घंटे सोने क्यों दिया, क्यों तुमने हर घंटे उसके ऊपर पानी नहीं मला, और डालो पानी उसके ऊपर, अगर चाहत की मॉम ये सारी बातें बोल सकती है तो अविनाश की मॉम क्यों, उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि बार बार तुम ऐसे बेइज्जत करो ये सारी चीज़ें करो, उस उन्होंने समझाया चाहत को भी समझाया कि तुम इधर 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 भी बातें करती हो उधर भी बातें करती हो, तुम भी अपना गेम अच्छे से खेलो, बस इसी के लिए ये सारी चीज़ें मत करो, बस खाने खाने के ऊपर मत लौड़ो, बहुत अच्छे से गेम खेलो, दोनों को भी उन्होंने बताया, और मुझे तो दोनों की मॉम अच्छी थी, लेकिन प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल जो बातें अविनाश की मॉम ने की है ना वो बहुत ही अच्छे से की है। उसके बाद ना उन्होंने क्लाइंट बोल दिया लड़की की इज्जत इज्जत, और लड़की की कोई इज्जत नहीं है क्या, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली। उसके बाद ना चाहत की मॉम ने भी बोला कि पंचायत बुला के इज्जत नहीं करते, पंचायत बुला के बेइज्जत करते हैं, और तुम पावर का यूज़ नहीं मिस यूज़ कर रहे हो, ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली, जो उनके अंदर की भड़ास थी उन दोनों ने निकाल दी, तो ये सेट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, फैमिली को देख के मज़ा आया। फिर उसके बाद सलमान सर आते हैं, और वहाँ पर सलमान सर आके ना अविनाश को पहले बोलते, उसको एक रियलिटी चेक देते हैं कि तुम जो कर रहे हो ना अभी वो ज़्यादा हो रहा है, जो ज़्यादा गुस्सा ज़्यादा चीज़ें कर रहे हो ना वो बहुत ही गलत जा रही है, अब तक तुम कलरफुल शेड में दिख रहे थे, मैंने भी यही बोला था कि वो अभी जो मुद्दे वो देता है ना वो बहुत ही वैलिड होते हैं, बट जो अभी एक्सट्रीम रिएक्शन वो दे रहा है ना वो गलत है, और उसके लिए वो बहुत ज़्यादा गलत हो सकता है, तो वो एक रियलिटी चेक उसको सर की तरफ से बहुत ज़रूरी था, तो अगर उसको कुछ भी नहीं बोलते ना तो बहुत ज़्यादा करता और वो उसके लिए अच्छा नहीं था। और उन्होंने सर ने एक बात बोली कि पावर आना बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन उस पावर को सही इस्तेमाल करना बहुत बड़ी बात है, तो सर ने उसको बहुत ही मतलब एक रियलिटी चेक दिया, अभी तुम कलरफुल दिख रहे थे लेकिन अभी तुम ग्रे शेड दिख रहे हो, तो अब तक तुमने बहुत लीड किए होंगे लेकिन अभी तुम्हें
विलन या बहुत सारी चीजें आप कर रहे हो तो वो बहुत ही गलत जा रहा है, तो उनको एक रियलिटी चेक की जरूरत थी जो सर ने दिया है। और उसके बाद ना तुम ना खुद का, तुम्हारा नाम अविनाश है लेकिन तुम खुद का विनाश कर रहे हो, तो अभी सुधर जाओ, चीजें लिमिट में करो। तो ये सारी चीजें, और तुम्हें इंटेंट चाहिए था, ये तो एक मुद्दा किया, चाहत और जो भी वो अविनाश का मुद्दा था ना, उसमें वो अविनाश गलत था सर ने बोला। उसके बाद इंटेंट वाली जो फोटोग्राफ ईशा और शिल्पा जी ने डायरी जला दी थी उसके ऊपर उन्होंने बोला कि तुम्हें और कितना इंटेंट चाहिए था। और उसको भी वो रियलिटी चेक दिया कि उन्होंने अपनी फोटोग्राफ जारी, वो बहुत बड़ी बात है जो तुम्हें खाना देना चाहिए था। ऐसी इस मुद्दे पर भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली। उसके बाद ना एक जो भी उनको ये बहुत ही बड़ी बात थी बोलना, और उसको ये बात अभी इसी पॉइंट बोलना जरूरी थी कि तुम फ्रैंक बनो, रूड मत बनो। फ्रैंक और रूड में एक थीन लाइन होती है जो अभी तुमने क्रॉस की है, तो वो क्रॉस मत करो, ऐसा उन्होंने बोला। उसके बाद ना रजत को पूछा कि घर के अंदर दो ग्रुप है तो उनमें से मुखिया कौन है, तो ग्रुप के ऊपर चर्चा हो गई। जो शिल्पा जी हर वक्त ग्रुप नहीं है ऐसा बोलती रहती है, लेकिन दो ग्रुप है। और रजत ने बोला एक का तो अविनाश का ग्रुप है, सेकेंड ग्रुप किसका है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि वहाँ पर करण भी होता है, शिल्पा जी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो पता नहीं क्योंकि मैं ज़्यादा बैठता नहीं उनके पास। विवेन को पूछा और विवेन ने बोला कि दूसरा ग्रुप है जो कि शिल्पा जी का है, उन्होंने बोल दिया क्लियरली। और वहाँ पर ना, यहाँ पर विवेन को एक क्वेश्चन पूछा कि आपके हिसाब से वो घर में याद अभी ये फैमिली बन चुकी है, तो आपके हिसाब से घर में वो ननंद कौन है, चुगलखोर ननंद कौन है। और विवेन ने करण का नाम लिया, और करण को भी एक रियलिटी चेक दिया गया आज के एपिसोड में। और अभी करण वर्स विवेन मेकर्स करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही दोनों स्ट्रांग कैंडिडेट है, लेकिन कुछ भी बोलो ये सीजन की टीआरपी बहुत लो जा रही है, लेकिन इस सीजन के जो कंटेस्टेंट है ना उनमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। सब जो भी सदस्य ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, इनको ना बस बिग बॉस वाले ना वालों को ना बस उनको टास्क अच्छे वाले देना है, जो फिजिकली हो ऐसे टास्क उनको अच्छे से देना है और उनको भिड़ने देना है, फिर उनकी टीआरपी बढ़ सकती है। लेकिन ये लोग हैं जो खाने पे उनको लड़वाते हैं और खुद की टीआरपी इतनी गिरवा रहे हैं, अभी क्या ही बोल सकते हैं। उसके बाद ना कान भरने वाली ननंद जो कि अभी करण है, तो अभी क्या ही बोल सकते हो। करण को बोला कि आप कोने कोने में जाके जो सबको भड़काते रहते हो ना, वो फ्रंट फुट पे आके खेलो ना, मतलब जो कोने कोने में हर सदस्य को पकड़ के बहुत एडवाइस देता है। तो फिर पूछा कि सबको करण ने किसको किसको एडवाइस दिया, और पूरे घर को ऑलमोस्ट करण ने एडवाइस दी है किसी न किसी चीज़ के लिए, आप सेंटर में होके खेलो, ऐसा बिग बॉस का बेसिकली कहना था। उसके बाद ना एक टास्क होता है जो नींद से उठाने वाला टास्क होता है, वहाँ पर ना सबसे पहले अविनाश जाता है और पानी मारना होता है, तो वो टास्क हमने देखा। तो वहाँ पर ना अविनाश सबसे पहले रजत का नाम लेता है उसको नींद से उठाने के लिए, फिर सारा जाती है शहजादे का नाम लेती है, विवेन और शहजादे का नाम लेता है। उसके बाद शिल्पाजी चाहत जाते हैं और दोनों ही विवेन का नाम लेते हैं, मतलब शिल्पाजी एक तरफ दोस्त बोलते हो दूसरी तरफ आप विवेन का ही नाम लेते हो। उसके बाद एलिक्स जाती है और शहजादा जाता है जो कि अरफिन जी का नाम लेते हैं। उसके बाद अरफिन जी जाते हैं, करण जाता है जो ईशा का नाम लेते हैं, उसके बाद ईशा जाती है जो करण का नाम लेती है, और नायरा भी करण का ही नाम लेती है। फिर उनकी जो बी वाली टीम है ना वो पूरे लोग अविनाश का नाम लेते हैं। जब इनको कोई वो लोग मेजोरिटी मैक इनको टारगेट करते हैं तब उनको लगता है कि हमारे साथ बहुत बड़ा हो गया, अभी क्या कर सकते, सिंपथी कार्ड पूरे खेलते हैं। अगर ये लोग किसी एक को टारगेट करते हैं ना तब वो कोई सिंपथी नहीं होती, वो गेम होता है इनके नज़रे से। तो उनकी पूरी गैंग ने ना अविनाश का नाम लिया, मतलब चूम, बग्गा जी, रजत, श्रुतिका, करण, सब ने बग्गा जी का सॉरी अविनाश का नाम लिया। तो ये टास्क खत्म होता है। उसके बाद ना बैक टू करण पे आते हैं, जो कि वो नायरा से पूछते हैं कि आपने जो चीज़ बोली ना, यहाँ पर नायरा ने बहुत अच्छी चीज़ बोली कि वो ना ट्रिगर करके सिचुएशन से भाग जाता है, वो बस पोकिंग का काम करता है, वो हर बार बोलता है बी अ मैन, लेकिन वो बी अ मैन नहीं बनता, वो हर वक्त पोक करके वहाँ से निकल जाता है, मतलब हर वक्त सिचुएशन से भागते रहता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से उन्होंने बोली, और वो ननन बिल्कुल शोभता है। तो उसके बाद ना
वहां पर सलमान सर करण को एक रियलिटी चेक देते हैं, जो वो जो करता है ना घर के अंदर, सबको एडवाइस देता रहता है। या बिग सलमान सर बोलते, आप एक ऐसे श्रुतिका को एक बात बोली थी कि आपका परिवार नहीं बन रहा, क्यों नहीं बन रहा है इसके ऊपर, जो आपने सारी चीजें बोली ना कि मेरा जो भी झगड़ा होगा, जो भी होगा, इन चारों की वजह से होगा, वरना मेरा खुद का तो नहीं होगा। अगर मुझे वो खाना मांगने जाना है ना, तो मैं इन चारों के लिए मांगूंगा, लेकिन खुद के लिए नहीं मांगूंगा। मतलब आप विक्टिम कार्ड प्ले करते हो कि यार मेरा तो ईगो बहुत बड़ा है, तो मुझे यहाँ पर कोई झुका नहीं सकता, लेकिन मैं इन चारों के लिए करूंगा। मतलब वो अच्छा वाला कार्ड जो खेल रहे ना, जो अभी तक करण की जो स्ट्रैटेजी वगैरह थी ना, अभी सर ने सबके सामने रख दी है कि वो उनके नाम पे चीजें करेगा, उनके नाम पे खाना खाएगा, सबके प्लेट में से उनके नाम पे खाएगा, सबका उनके नाम के लेगा, लेकिन खुद का नाम नहीं यूज करेगा। क्यों भाई, इतना नाम अच्छा कमाया है हम, तो क्यों तुम खुद का फ्रंट फुट पे आके खेलो? एज तुम्हें सर बोल रहे हैं कि तुम हीरो बनो, तुम बाहर पीछे खड़े रहते हो और सामने सबको भेजते हो, तुम्हें हीरो बनने, सब लोगों की इच्छा है, तुम्हें बहुत लोग पसंद करते हैं, तुम्हें हीरो एज ए हीरो देखते हैं, और तुम्हें बाहर मतलब पिछला रोल करना है, तो ये तो फैन के लिए बिल्कुल सही बात नहीं। और उन्होंने जो करण करता है एक्चुअल में नैरेटिव सेट करना, जो विवेन के खिलाफ जितने भी नैरेटिव सेट किए थे ना, वो सारे सलमान सर ने बोले, और बेसिकली उसको बोला कि तुम जो करना चाहते हो ना, वो फ्रंट फुट पे आके करो, जो नैरेटिव सेट करते रहते हो ना, वो बहुत ही गलत है। और तुम्हारी ऑडियंस जब बोलते हो विवेन को कि विवेन की ऑडियंस ये नहीं कर देख रही है, ये नहीं कर रही है, तुम्हारी ऑडियंस नहीं है क्या? तुम्हारी ऑडियंस तुम्हें देख नहीं रही क्या? ये सारी चीजें उन्होंने बोल दी। और फिर चाहत को बोला कि तुम्हें करण ने भड़काया नहीं क्या उस गवार वाले टॉपिक पे या कपड़ों वाले टॉपिक पे, जो कैरेक्टर के ऊपर बोला था, और वहां पर चाहत बोलती है नहीं भड़काया। क्लियरली दिख रहा है, जब अविनाश बोल रहा था तब हंस रही थी, करण बोल रहा था चुप तो चुप हो गई, और बाहर जाके करण बोल रहा था कि तुम भूलना मत, तुमने तुम्हारे ऊपर ये बोला है, तुम ये मत करो, तुम्हें ये सारी चीज़ें बोली है, जाओ जाके ये करो वो करो, जितना करण ने बोला चाबी भरे, वो अंदर जाके वही सेम चीज़ें रिपीट की, और बोल रही है कि मैं सुनती सब क्यों करती मेरी मन की। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि कौन मैनिपुलेट हुआ, किसने किसको भड़काया, लेकिन अभी क्या ही कर सकते हैं। और वहाँ पे करण को बोला कि आप विक्टिम कार्ड प्ले करना बंद करो, तो बहुत ही अच्छे से। और जो आपके वन लाइनर आप बोलते हो ना, बेसिकली सर को ये बोलना था कि आप पूरे एपिसोड में बस एक वन लाइनर 4 सेकंड की होती है, तभी दिखते हो ज़्यादा, दिखो बोलो। और ये स्पेशली करण के गेम के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग उनको इतना पसंद करते हैं, लेकिन वो इतने बैक फुट पे सारी चीज़ें करते हैं ना, वो बहुत ही गलत जा रहा है। तो उसके बाद ना एक 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 और मुद्दा था जो हमने डिस्कस किया था, कि आप इतना अविनाश को बोलते हो कि ये कर तो तुम बाहर आ जाओ, तो मैं तुमसे ये करूंगा वो करूंगा, जब आपके पास मौका था जेल के अंदर जाने का, तो आप क्यों नहीं गए? एक सिंपल बात है ना, आपके पास मौका होता है, लेकिन आप डरपोक की तरह पीछे रहते हो कि नहीं मुझे आपके पास मौका था बी अ मैन बनने का, 1-to-1 करने का, अविनाश के साथ जेल में जाने का, लेकिन आप नहीं गए, क्यों? आप तो प्रॉपर गेम खेल रहे हो, लेकिन वो विक्टिम कार्ड भी आप प्ले करते हो, और एक नैरेटिव सेट करते हो सामने वाले बंदे के खिलाफ कि ये बंदा ऐसा ही है, वो ऐसा ही है, जो आप विवेन के साथ कर रहे हो उससे आप अविनाश के साथ भी कर रहे हो, और ये ऐसा ही है वैसा ही है, सारी चीज़ें करते हो। सर ने आज बहुत ही मुद्दे पकड़ के बहुत अच्छे से करण को एक्सपोज किया, या उसको एक आईना दिखाया कि ये सारी चीज़ें ऑडियंस देख रही है, तो तुम अपना गेम ज़रा अपडेट करो ये सारी चीज़ें। उसके बाद ना शहजादा विवेक अभी करण का खत्म हो गया, उसके बाद ना शहजादा को बोला कि वो जो फोन कॉल पे बोला था ना, तो इसलिए उसको बोला कि बाहर कौन है भाई जो तुम्हें फोन करेगा, लेकिन यहाँ पर शहजादा ने बहुत ही आराम से सारी चीजें आंसर की, कोई नहीं ऐसे ही मजाक में बोला था। लेकिन यहाँ पर रजत जो इतने रूडली बोल रहा था कि लेकिन अभी वो 15 दिन में मुझे सॉरी बोलेगा बाहर जाने के बाद, वो ऐसे धमकी दे रहा था लिटरली, तो ये बहुत ही गलत लग रहा था, साउंड कर रहा था। उसके बाद ना
जो टीम आती है अरबाज हर्षद, मतलब वो जो उनका सिनेमा था ना उसके प्रमोशन के लिए, कि बग्गा सिंह चौधरी सिनेमा, तो उसके प्रमोशन के लिए आए थे। और उन्होंने उनसे एक टास्क करवाया जो कि घर की लेडीज की तरफ से वो टास्क था, कि वहां पर सबसे पहले शिल्पा जी आती है और निकम्मा बंदा कौन है घर के अंदर, उसको पहनाना होता है। और उनके उनके लिए तो बस एक ही है ना, अविनाश। उसके बाद नायरा आती है डरपोक बंदा, तो करण को पहनाती है। चाहत आती है बेवकूफ बंदा, वो भी अविनाश को पहनाती है। ईशा आती है बदतमीज, वो करण को पहनाती है। एलेक्स आती है पलटू के लिए, वो रजत को पहनाती है। उसके बाद चुमा आती है पकाऊ बंदा, तो अविनाश को, मतलब बेसिकली बी टीम ने पूरा अविनाश को ही पहना लिया। और सारा आती है जो शहजादे के लिए पहनाती है, जो कंफ्यूज होता है। और श्रुति का अनहाइजेनिक के लिए शहजादा को पहनाती है। तो ये बेसिकली टास्क था। और आज के एपिसोड में कोई इविक नहीं हुआ है, मे भी कल होंगे। तो आज का एपिसोड मुझे तो बहुत अच्छा लगा। करण और अविनाश को एक रियलिटी चेक मिला, चाहत को भी मिला, लेकिन जो चाहत, नायरा या सारा, जो ये बीच के लोग हैं ना, ना इधर के हैं ना उधर के, दो ग्रुप बने हैं, इधर चार मेंबर है इधर चार मेंबर है, और बहुत ही स्ट्रांग है। और ये आठ आगे तो जाएंगे क्योंकि इनका एक ग्रुप बना है, और बहुत ही स्ट्रांग। एक गेम भले ही इंडिविजुअल हो, लेकिन आगे वो जर्नी में जीने के लिए, चलने के लिए दो ग्रुप जरूरी है। एलेक्स ईशा अविनाश विवेन, श्रुतिका चूम शिल्पा जी करण, ये दो ग्रुप है। और जो बीच के लोग हैं ना, वो ना इधर के ना इधर के, वो तो कभी भी किधर भी जा सकते हैं। तो आज का एपिसोड मुझे तो बहुत अच्छा लगा। वीकेंड का बाद सलमान सर ने जो सबको एक आईना दिखाया ना बहुत ही अच्छे से, और अभी क्या ही बोल सकते हैं, लेकिन किसको क्या समझ में आएगा वो उनके ऊपर होता है। तो आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।